हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका GT5 के एक और नए एपिसोड में। तो यार लास्ट वाले एपिसोड में गाइस आप लोग को याद होगा कि प्रेसिडेंट ने ना अपने को एक कार गिफ्ट करी है, क्योंकि यार मेरी जो जी वैगन है ना वो गाइस चोरी हो गई थी। तो प्रेसिडेंट ने गाइस अपने को एक कार गिफ्ट कर दी जो ये खड़ी है। देखो ये जो कार है ना गाइस कोई ऐसी वैसी कार नहीं है ना गाइस, एक बुलेट प्रूफ कार है और पूरी कस्टमाइज कार है। इसकी बिल्ड क्वालिटी ना बहुत ज्यादा बढ़िया है। बाकी फिलहाल अभी गाइस मैं सैंडी चोर की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि यार जो एक नया कैप्टन आया था ना उसका ट्रांसफर गाइस प्रेसिडेंट ने यहाँ पर करा दिया था। और वो जो बंदा है ना उस पर गाइस प्रेसिडेंट को शक है, और वो ना बहुत ज्यादा करप्ट पुलिस ऑफिसर है। जैसे कि गाइस आप लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देखा होगा, वो एक गैंग के पास गया था और उसने उनसे कुछ डील वगैरह करी और उनसे पैसे खाकर वो वहां से वापस निकल गया था। बाकी यार उस गैंग से मेरी काफी ज्यादा लड़ाई भी हो गई थी। और ये रहा गाइस सामने पुलिस स्टेशन। और फिलहाल ना गाइस अभी मेरे को ना इसी पे नजर रखनी है, तो मैं काम करता हूँ अपनी कार को ना यहाँ पे साइड में लगा लेता हूँ। और ये जो बंदा है ना अभी फिलहाल देखो सुबह से ना पुलिस स्टेशन के अंदर ही है। कुछ लोगों को इसने अरेस्ट किया और कुछ लोग को शायद इसने बेल वगैरह भी दिया। बाकी मेरा काम गाइस अभी फिलहाल ये है कि मुझे ना इस पे नजर रखनी है, और देखते हैं गाइस ये फिलहाल अभी कर क्या रहा है। और एक मिनट गाइस ये पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहा है। वैसे फिलहाल अभी मेरे को जानता तो है नहीं वो, देखो। और एक मिनट गाइस ये एक गैंग के बंदे को लेकर आ रहा है अपने साथ। ओके वो देखो गाइस एक गैंग के बंदे को ये बाहर लेकर आया, देख रहे हो। मुझे लग रहा है गाइस ये जो गैंग का बंदा है ना, ये देखो इससे इसने पक्का कुछ ना कुछ डील कर ली होगी। और एक मिनट ये ओके फोन वगैरह ये निकाल रहा है, देख रहे हो। उस गैंग के बंदे को इसने ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब जैसे कोई और पुलिस ऑफिसर होता है ना वो गाइस उसको जेल में डालता है, केस बनाता है। पर इस बंदे ने मुझे पता है क्या किया होगा, इस बंदे ने देखो ये किया होगा ना कि उस बंदे से भी पैसे ले लिए होंगे और उसको छोड़ दिया होगा। बाकी अभी फिलहाल गाइस इसी पे नजर रखते हैं। और एक मिनट गाइस मेरे पे ट्रेवर का कॉल क्यों आ रहा है। ओके गाइस यार तो मेरी ट्रेवर से बातचीत हो चुकी है और उसने गाइस मुझे फटाफट से मिलने के लिए बोला है। वो कह रहा है कुछ बहुत बड़ा सीन हो गया है भाई। अब पता नहीं ट्रेवर ने क्या कर दिया होगा यार, क्योंकि गाइस आप लोग को याद होगा कि ट्रेवर ने देखो यहाँ पे जो पीछे क्लब है ना वहाँ पे भी गाइस एक हंगामा कर दिया था, और उसके चक्कर में ना मेरे को प्रेसिडेंट से गाइस डांट खानी पड़ी थी और पुलिस वाले ने गाइस हमारे ऊपर केस भी कर दिया था। और वो देखो गाइस सुपर बाइक वाला बंदा क्या स्पीड में भगाते हुए ले गया। हद है भाई, सैंडी शोर्स में भी ना काफी सारे लोग गाइस यहाँ पर आ चुके हैं और उन लोग के पास भी गए। देख रहे हो सुपर बाइक है यार, अरे भाई बहुत सकता है बहुत पैसा वैसा कमाने लग गए हो। बाकी फटाफट चलते गए इस ट्रेवर से मिलने के लिए, पता नहीं अब क्या कर दिया यार उसने। ओके गाइस यार तो मैं उस वाली लोकेशन पर पहुंचने वाला हूँ जहाँ पे मुझे ट्रेवर ने मिलने के लिए बोला है। और यहीं पे गाइस एक अबैंडेंड घर जैसा है, तो वहीं पे मुझे बुलाया। और एक मिनट गाइस वो खड़ी देखो ट्रेवर की डिफेंडर। एक काम करता हूं मैं अपनी कार को ना यहाँ साइड में लगा लेता हूँ। बाकी अब पता नहीं क्या कांड कर दिया यार ट्रेवर ने। तो हाँ भाई ट्रेवर बता, तूने मुझे अर्जेंटली यहाँ पर क्यों बुलाया, अब क्या कर दिया तूने। ओके तो ट्रेवर कह रहे इसको प्रेसिडेंट ने एक काम दिया। भाई क्या काम दिया ये तो बता। भाई क्या बोल रहे तू कि गाइस, तो ट्रेवर मेरे को कह रहा है कि जो मेरी जी वैगन थी ना जो चोरी हो गई थी वो गाइस उस फिल्म प्रोड्यूसर को वापस मिल गई है, और प्रेसिडेंट ने गाइस वो कार को ना अपने पास बुलवाया है, और हमारे पास सिर्फ एक घंटे का टाइम है, अपने को उस कार को कुछ करना पड़ेगा। भाई ट्रेवर क्या करें, भाई तू बता यार क्या करना चाहिए। तो ट्रेवल करे इसका भी इसी चक्कर में दिमाग खराब हो रहा है, और ये भी टेंशन में कि अगर वो कार ना प्रेजेंट के हाथ लग गई तो उन्हें कैसे पता चल जाएगा कि वो काम हम दोनों ने किया है। क्योंकि जो फिल्म प्रोड्यूसर है ना उसको कैसे पूरा पूरा शक है कि जो उस कार का ओनर है ना उसी ने उसके घर पे हमला किया था। भाई तो ट्रेवल क्या करना चाहिए तू बता मेरे को। ओके गाइस यार तो ट्रेवल को तो फिलहाल अभी कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो ट्रेवल पहले मेरे को तो ये बता कि वो कार अभी कहाँ पर है। ओके तो वो फिल्म सिटी के अंदर है। चल देख फिल्म सिटी के अंदर है वो कार, और तेरे पे सिर्फ एक घंटे का टाइम है ना, तो देख सुन मेरे पास ना एक आइडिया है। देख सुन मेरा आइडिया सुन पहले तू। देख अपने को ना उस कार को कैसे भी करके ना वहाँ से गायब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो प्रेसिडेंट के हाथ लग गई ना तो भाई उन्हें तो बिल्कुल पता चल जाएगी वो काम तूने और मैंने ही किया है। तो देख तेरे को भी इस काम में ना मेरा पूरा साथ देना ही पड़ेगा। तो देख मेरे पास एक आइडिया, हम लोग एक काम करते हैं, देख अभी चलते हैं सीधा फिल्म सिटी और चल के ना उस कार को देखते हैं, और अगर मौका मिला हम लोग को तो उस कार को ना हम लोग चोरी करके लेंगे। तो एक काम कर तू अपने डिफेंडर में चल, और भाई टेंशन मत ले यार। तो ट्रेवर कह रहा है भाई कुछ भी करके इस चक्कर से ना अपने को निकलना पड़ेगा यार, जो भी ये प्रॉब्लम हुई है। तो काम करते हैं फटाफट चलते हैं, ट्रेवर अपने डिफेंडर में बैठ चुका है और चल के ना गाइस पहले देखते हैं यार अपनी कार कहाँ पर उसने रखी है। ओके तो ट्रेवल चलते अपने डिफेंडर भगा, मैं भी तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो गाइस फटाफट से चल के ना फिल्म सिटी में अपनी कार देखते हैं उसने वो कार को कहाँ पर लगाया है। ओके गाइस यार तो हम लोग यार फिल्म सिटी पहुँचने वाले हैं, और मैं तो देखो कुछ ज़्यादा ही जल्दी गए। वो देखो ट्रेवल अपने डिफेंडर को भगाते हुए आ ही रहा है। तो मैं काम करता हूँ अपनी कार को, तो देखो मैं अंदर लेकर जाने वाला नहीं हूँ। मैं काम करता हूँ अपनी कार को यहाँ साइड में कहीं पे पार्किंग पे, वैसे पार्किंग तो इधर फिलहाल है नहीं। एक काम करता हूँ यहीं पे लगा देता हूँ साइड में। तो ड्राइवर एक काम कर, तू भी ना अपनी कार को यहीं पे लगा दे। अबे भाई एकदम बीचों बीच मत लगा यार, रोड के थोड़ा सा साइड में तो लगा देता। तो भाई ड्राइवर का देखो वैसे ही दिमाग खराब है। ओके तो ड्राइवर चलें फिर अंदर, और मेरे को तो पहले ये बता अपनी कार खड़ी किस साइड है। ओके
तो ट्रेवर कह रहे उसके ऑफिस के सामने ही लगी होगी, तो चल आजा आजा ट्रेवर, फटाफट से अंदर चलते हैं। और ट्रेवर मेरे को कह रहे कि उसका जो बॉडीगार्ड है ना वो भी गाइस यहीं पे अंदर ही है, और उसने गाइस इसको मिलने के लिए भी बुलाया था, एक घंटे का टाइम है तो उसको गाइस जल्दी जल्दी वो काम करना पड़ेगा। और वो देखो गाइस मुझे उसकी सिक्योरिटी वाले भी सामने नजर आ रहे हैं, तो एक काम कर ट्रेवर देख मैं ना तेरे साथ तो आऊंगा नहीं, तो एक काम कर उस वाले उस बंदे से जाकर बातचीत कर, मैं दूर से आराम से खड़े होकर देखूंगा, तो जा तू उससे बात कर। और वो देखो इसकी सिक्योरिटी यहाँ पर खड़ी हुई है, और वो देखो गाइस ये खड़ी है यार अपनी जी वैगन, भाई मेरा मन कर रहा है ना इसको देखकर मैं इसको उठाऊं और यहाँ से सीधा लेकर चले जाऊं, पर गाइस ऐसे हम लोग यार कर सकते नहीं है। और देखो यहाँ पे रोल्स रॉयस भी खड़ी है, वो तो शायद उसकी फिल्म प्रोड्यूसर की होगी। और वो देखो गाइस सामने देखो उसका बॉडीगार्ड भी खड़ा है, और ये बंदा ना गाइस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आप लोगों ने गाइस देखा ही होगा। और इस बंदे ने गाइस मेरे सामने गाइस गैंग के बंदों को शूट कर दिया था, और ये भी फिलहाल ट्रेवर से कुछ बातचीत कर रहा है, ट्रेवर को भाई बोल ही रहा हूँ कि कार लेकर जा। और गाइस इस कार को ना हमें देखो प्रेजेंट के हाथ तो बिल्कुल भी नहीं लगने देना है। और एक मिनट देख ये लोग इसी साइड आ रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ मैंने गाइस नीचे आराम से बैठ जाता हूँ, एक मिनट। ओके तो ये लोग शायद आगे की साइड जाने, उसको ये बोल रहा है ट्रेवर को कि कार लेकर चले जाए यहाँ से। और एक मिनट भाई उसने किसी को मारा है वहाँ पे, एक मिनट में थोड़ा सा आगे की साइड जाता हूँ क्योंकि गाइस तो वो देखो भाई ये सिक्योरिटी वाले को नहीं अपनी कार को मार रहा है, हद है भाई, क्योंकि देखो हम लोग ने इसके घर पे अटैक किया था, इसके बॉस के घर पे। वो देखो गाइस अपनी कार को तोड़ा, वैसे इसमें कुछ होने वाला तो नहीं है पर फिर भी यार वो देखो गाइस बड़ा गुस्से में लग रहा है मेरे को अभी तो फिलहाल यार। और ट्रेवर देखो उससे बातचीत कर रहा है, तो मैं काम करता हूँ भाई मैंने देखो बाहर की साइड ही चलता हूँ और ट्रेवर का इंतजार करते भाई आने का। इसका बॉडीगार्ड तो गाइस बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है यार, तो भाई एक काम करता मैंने साइड में जाकर ट्रेवर का इंतजार करता हूँ यार जब तक वो नहीं आता, उससे भी पता करता हूँ कि क्या बोला है उसने। ओके गाइस यहाँ पे बिल्कुल 10 मिनट का टाइम हो चुका है ट्रेवर का इंतजार करते करते, पता नहीं भाई वो कितनी देर में आने वाले। और वो देखो गाइस ट्रेवर यहाँ पर फाइनली आ चुका है, तो फटाफट से गाइस इससे चलकर बातचीत करते हैं, ट्रेवर भाई क्या पता लगा उससे। ओके ओके तो गाइस ट्रेवर मेरे को कह रहे हैं कि जो उसका सिक्योरिटी वाला है उसने ट्रेवर को सिर्फ एक घंटे का टाइम दिया, और वो इससे कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस वाली कार को यहाँ से लेकर जाओ और प्रेसिडेंट के हवाले कर दे। और उसने गाइस ये भी बोला है कि अगर प्रेसिडेंट से ये काम नहीं होता है ना तो भाई वो जल्द से जल्दी उसको आकर बता दे, फिर ये लोग गाइस उस काम को ना खुद हैंडल करेंगे। पर भाई देखो अपने को ना इस कार को उससे पहले ही चोरी करना पड़ेगा, तो ट्रेवर देख अभी तो फिलहाल यार प्रेसिडेंट के पास हम उस कार को लेकर जा नहीं सकते हैं, तो तू एक काम कर तू ना अभी थोड़ी देर के लिए यहीं पर मेरा वेट कर। ओके तो ट्रेवर कह रहे भाई सिर्फ एक घंटे का टाइम, एक घंटे के अंदर अंदर ही अपने को कुछ करना पड़ेगा नहीं तो उस कार को लेकर प्रेजेंट के पास चले जाएगा। तो देख ट्रेवर तूने मेरा एक काम कर तू ना देख यहीं पे वेट कर, मैंने कुछ सोचता हूँ और कुछ इंतजाम करता हूँ। और एक मिनट ट्रेवर क्या कह रहा है, ओके गाइस तो ट्रेवर कह रहे कि अपने को ना उस कार को यहीं फिल्म सिटी के अंदर से ही चोरी करनी पड़ेगी। वे भाई ट्रेवर बाहर से नहीं कर सकते क्या? ओके तो ट्रेवर कह रहे अगर हम लोग उस कार को बाहर से चोरी करते हैं तो उसका सारा इल्ज़ाम ना ट्रेवर के ऊपर ही आने वाला है कि ट्रेवर ने उस कार को गायब करवाया है। वे यार गाइस ट्रेवर का भी ना गाइस देखो ये कहना एकदम सही है, क्योंकि इस इल्ज़ाम ना देखो ट्रेवर के ऊपर नहीं आना चाहिए, वो ऐसा लगना चाहिए कि किसी और गैंग ने उस कार को चोरी किया है और किसी और पे नाम आना चाहिए। तो देख ट्रेवर तेरी ये बात एकदम बढ़िया लगी मुझे, तो सुने काम कर तू ना अभी फिलहाल यार थोड़ा टाइम के लिए यहीं पर मेरा वेट कर ले, मैं तुझे ना कॉल पर पूरा प्लान समझाता हूँ। अभी फिलहाल मेरे दिमाग कोई ऐसा प्लान है तो नहीं, पर चोरी करने का ना मैं तुझे बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, तो तू एक काम कर यहीं पर मेरा वेट कर, मैं फिलहाल अभी यहाँ से जा रहा हूँ। तो ट्रेवर कर रहे सिर्फ एक घंटे का टाइम है, एक घंटे के अंदर अंदर ही अपने को ये काम निपटाना होगा। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ पहले मैं चलता हूँ इस हैकर के पास और उससे चल के ना पूरी ये डिस्कशन करते हैं, और उससे गाइस मैं पूछता हूँ यार तेरे पे कोई प्लान हो तो मेरे को बता दे यार। वैसे मैं एक काम और कर सकता हूँ कि मेरे देखो वाई सिटी में ना कुछ दोस्त भी थे जो मेरे साथ काम किया करते थे पहले, तो मैं यार उसको भी बुला सकता हूँ वाई सिटी से यहाँ पर वो मैं ये काम करने के लिए। और हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं कि किसी गैंग को हायर करें, पर चलो देखते हैं यार अपना घर देखो यहीं पास में ही, तो फटाफट से अपने घर पे चलते हैं और पहले ना हैकर से डिस्कशन करते हैं, उसके बाद जो भी हैकर बोलेगा ना उसके बाद ही हम लोग कुछ करने वाले। और एक मिनट गाइस मेरे को यहाँ पे नहीं जाना, मैं काम करता हूँ मैंने थोड़ा सा आगे की साइड आ चुका हूँ, मतलब को इस एरिया से थोड़ा आगे जाना है और वहाँ से गाइस अपना घर है ये रह गए देखो अपना घर, मैं पीछे के रास्ते से मेरे को ना सामने के रास्ते से जाना है, तो फटाफट से गाइस चलते हैं घर की साइड। बाकी काम करते अपनी कार को ना फटाफट से गाइस अंदर की साइड यहाँ पर लगा देते हैं, और अपना हैकर भी गाइस फिलहाल अभी घर पे ही है। एक काम करते हैं पीछे की साइड चलते हैं, अपनी जेस को भी फिलहाल अभी यहीं पे खड़ी कर, एक मिनट वो जो गाइस हैकर अपना पूल एरिया की साइड ही खड़ा हुआ है, तो फटाफट से चल के इससे बातचीत करते हैं भाई, कॉफ़ी वगैरह पता नहीं क्या जूस पी रहा है। ओके तो हैकर सुन भाई मेरे को ना तेरे से बहुत ज़रूरी बात करनी है, और देख मैं तुझे ये जो बात बताने वाला हूँ ना ये सुन के ना देख गुस्सा मत करना, पहले मैं तुझे बता रहा हूँ ये देख। तो मैंने देख तेरे से ना एक बात छुपाई थी, और वो बात ये है ना कि काफ़ी दिन पहले ना जो प्रोड्यूसर का मेंशन है उस पर एक अटैक हुआ था, उसके बारे में तो पता ही होगा, तो वो अटैक ना मैंने और ट्रेवर ने मिलकर किया था।
अबे भाई गुस्सा मत कर यार, देख सुन पूरी बात सुन मेरी। देख मेरे को नहीं पता था कि वो जो बंदा है ना वो प्रेजेंट का दोस्त निकलेगा यार। मैंने तो अपनी कार वापस लाने के लिए उस घर पे अटैक किया था यार, पर देख अनजाने में ये सारी चीजें हुई है। और अभी देख सुन सुन सुन, देख गुस्सा मत कर यार, मैं तेरे को बता रहा हूँ पूरी बात बता रहा हूँ। देख अभी वो जो कार है ना उस बंदे को वापस मिल चुकी है, और वो कार था देख वो बंदा प्रेसिडेंट के पास पहुंचा रहा है कि उस बंदे का पता लगाने के लिए। तो देख अपने को ना उस कार को चोरी करना पड़ेगा यार, गुस्सा मत कर। देख तुझे मेरी इस काम में देख हेल्प करनी पड़ेगी। देख अबे भाई जा, गुस्सा मत कर यार, सुन तो सही। देख अपने को ना देख ये काम करने पड़ेगा, नहीं तो गाइस हम लोग बहुत बुरा फंसने वाले यार, मैं और ट्रेवर दोनों जने। देख तुझे मेरी हेल्प यहाँ पे जरूर करनी पड़ेगी। देख मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है, और वो आइडिया ये है ना कि देख उस कार को ना मैं फिल्म सिटी से चोरी करवाने वाला हूँ, और उस काम में देख तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। तो फिल्म सिटी के जितने भी कैमरे वगैरह है ना उन सबको देख तुझे हैक करना है, और मैं ना एक काम करता हूँ, मैं अपने वाइस सिटी वाले एक दोस्त को बुला रहा हूँ तो वो ये काम करने वाला है, ठीक है? ओके तो हैकर गाइज अपने काम में लग चुके। और एक मिनट भाई, बारिश भी स्टार्ट हो गई अचानक से। हद है भाई, आ जा भाई हैकर, अंदर की साइड चलते हैं। हद है भाई, लॉस एंजेलिस का मौसम भी दिख रहा है कि अचानक से चेंज हो गया यार, आ जा अंदर ही चलते हैं। तो हैकर सुन, तू अपने काम में लग जा फटाफट, और वाई सिटी वाला जो दोस्त है ना उसको भी एक काम कर, तू ही कॉल कर दे और उसको सीधा यहाँ पर बुला ले। ओके गाइस यार, तो हैकर ने मेरे वाई सिटी वाले दोस्त से बात कर ली, और वो गाइस यहाँ पे पहली फ्लाइट पकड़ के ना सीधा लॉस सैंटोस आने वाला है। वो शायद थोड़ी बहुत देर में पहुंच भी जाएगा। बाकी अभी गाइस मेरे पास ना प्रेजेंट का कॉल भी आया था, तो उन्होंने गाइस मेरे को ना अभी मिलिट्री बेस में बुलाया। और गाइस आप लोग को मैं बता देता हूँ, मैंने ना काफी टाइम पहले प्रेजेंट से बात करी थी एयर डिफेंस के लिए, तो आप लोग यार कॉमेंट भी कर रहे थे कि भाई एयर डिफेंस लो अपने घर के लिए, तो मैंने यार उनसे बातचीत करी थी और उन्होंने गाइस एयर डिफेंस अभी मंगवा दिया। तो मुझे जाना है गाइस सीधा अभी मिलिट्री बेस और एयर डिफेंस लेकर आना है। तब तक हैकर सुन, तू ना देख सारी प्लानिंग वगैरह कर लेना, हैकिंग का जो भी देख डिवाइस वगैरह चाहिए तो तू बेस से जाकर लेकर आ जाना, ठीक है? जो भी तुझे करना है। बाकी मैं अभी जा रहा हूँ प्रेजेंट से मिलने के लिए और एयर डिफेंस लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? तो अपने घर भी बिल्कुल एकदम सेफ हो जाएगा, क्योंकि एयर डिफेंस का तुझे देख पता ही है, कोई भी अपने घर पे आने की कोशिश करेगा ना तो भाई एयर डिफेंस चल के ना सीधा उसे ब्लास्ट कर देगा। तो चल मैं जा रहा हूँ, बाकी तू सारा काम अभी संभाल लियो। तो काम करते फटाफट से बाहर चलते हैं, और बारिश भी यहाँ पे रुक गई है। पता नहीं भाई लॉस एंजेलिस का मौसम कैसा हो रहा है, कभी भी बारिश आती है कभी भी रुक जाती है। तो फटाफट से इस वाली कार को अपन लोग भगाते हैं और सीधा चलते हैं मिलिट्री बेस। और हट जा भाई, वो देखो एकदम गाड़ी आती है उसे नजर नहीं आ रही, और ये देखो रोड पे से भाग। अबे हट जा भाई, हद है यार बिल्कुल। तो एक काम करते हैं गाइस, फटाफट से इस वाली कार को भगाते और चलते हैं सीधा मिलिट्री बेस। ओके गाइस, तो मैं मिलिट्री बेस के पास पहुंच चुका हूं, और प्रेजेंट ने गाइस मेरे को मिलिट्री के साइड में जो जगह है गाइस वहां पर मेरे को मिलने के लिए बुलाया था, और वहीं पे गाइस शायद अपना एयर डिफेंस भी खड़ा होगा। तो मेरे को ना यहां से थोड़ा सा आगे गाइस और जाना है, और वो देखो गाइस सामने मुझे प्रेजेंट की कार नजर आ रही है, और वो देखो गाइस वो रहा एयर डिफेंस ट्रक में पीछे लगा। तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी कार को ना यहाँ साइड में लगाता हूँ, और वो शायद मिलिट्री करने से कुछ बातचीत कर रहे हैं, फटाफट से बात करते हैं। हाँ तो आगे काफी टाइम लगा दिया भाई तूने आने में। अरे हाँ यार थोड़ा सा टाइम लग गया मेरे को, मैं ना हैकर से कुछ बात कर रहा था। चल कोई दिक्कत की बात नहीं, आ जा। देख ये रहा एयर डिफेंस मिलिट्री कर्नल, मैं आता हूँ तेरे से बात करने। देख रहा है बड़ा वाला एयर डिफेंस मंगवाया, क्योंकि एक ही आ रहा था। हाँ ये तो बहुत बड़ा है यार एयर डिफेंस, तो वही तो बहुत बड़ा है, तेरे पूरे मेंशन को ना अच्छे से कवर कर लेगा। और वैसे भी देख तेरे को पूरा टाइम तो मेंशन पे रहना नहीं होता है, हम लोगों ने अपनी टीम के लिए जो बंक कर लिया है वहीं पे रहना, पर फिर भी तेरे मेंशन को ना एकदम सही से प्रोटेक्ट करेगा। हाँ चलो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई, अभी अपना घर भी एकदम सेफ रहेगा। वही तो, एक काम कर निकल इसको लेकर, क्योंकि बहुत सीक्रेट तरीके से मंगवाया है तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये जो मिलिट्री का ऑफिसर है ना ये तेरी गाड़ी के पीछे पीछे जाएगा, आराम से निकल इसको लेकर, ठीक है? ठीक है ठीक है, निकलता हूँ मैं सीधा घर की तरफ। ठीक है कुछ एक काम करते हैं फटाफट से घर की तरफ। मिलिट्री कर्नल भाई मैं भी निकल रहा हूँ यहाँ से। तो प्रेजेंट देखो मिलिट्री कर्नल से कुछ बातचीत कर रहे हैं, मैं काम करता हूँ। हाँ आज अभी मिलिट्री वाले मेरे पीछे पीछे ही तू आ। ये तो अपने गाइस अभी सिटी में वापस जाने, क्योंकि देखो मैं तो स्पीड में चल जाऊंगा पर ये जो ट्रक है ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रक है देखो ट्रक की स्पीड इतनी ज़्यादा होती नहीं है, और अपने को आराम से जाना है वैसे भी। वो देखो कि जो ये एयर डिफेंस होता है ना गाइस इसका भी वेट बहुत ज़्यादा होता है यार, बहुत भारी होते हैं वाले एयर डिफेंस और बहुत ज़्यादा मजबूत भी होते हैं। देखो ट्रक आराम से पीछे आ रहा है, मैं भी काम करता हूँ अपनी कार को स्लो स्लो ही चलता हूँ, और चल के ना गाइस इसको अपने घर में लगवाते हैं। ओके गाइस हम लोग अपने घर की साइड पहुंचने वाले हैं, तो मैं काम करता हूँ मैं ना आगे की साइड से चलता हूँ। ट्रक भी देखो पीछे पीछे आ रहे हैं भाई, जो मिलिट्री वाला है ना भाई इतनी स्पीड में ट्रक भगाते हुए लाया है ना भाई, बड़ी स्पीड से लाया। तो एक काम करते हैं अपने घर तो गाइस यहाँ पर आ चुका है, मैं काम करता हूँ अपनी कार को अंदर ही लगा दूंगा और इसको मैं बोल देता हूँ। एक मिनट भाई मिलिट्री वाले भाई आराम से चला ले ट्रक को, ये है भाई ये है अपना घर। तो एक काम कर ट्रक को नहीं भारी लगा ले, मैं काम करता हूँ इसकी हेल्प कर देता हूँ, अपनी कार को फिलहाल अभी यहीं पे लगा देता हूँ और उसके हेल्प कर देते हैं फटाफट से इसको लगाने में। और एक मिनट भाई अंदर ही लेकर आ रहा है ट्रक को, तो ये भाई देख रहे हो क्या खतरनाक है मिलिट्री वाला। बस 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 यहीं पे रोक ले, और इसको गाइस हम लोग फटाफट से ना इंस्टॉल करवा देते हैं घर पे। मैं काम करता हूँ ना मैं इसको यहाँ फ्रंट की साइड ही लगवा देता हूँ, जो ऊपर एरिया ना यहाँ पे एकदम फ्रंट पे इसको लगा देते हैं। तो वो देखो मिलिट्री वाले इसको फटाफट से उतार दे। ठीक है भाई आ रहा हूँ मैं अभी, तेरी हेल्प कर देता हूँ। ओके गाइस यार, तो फाइनली अपने घर पे भी अब एयर डिफेंस गाइस इंस्टॉल हो चुका है। तो ठीक है भाई मिलिट्री वाले अब तो यहाँ से जा सकता है, और उसने देख रहे हो भाई बंदे ने ट्रक को सीधा पूरा अंदर ही ले आया था यार, इतना बड़ा ट्रक ये।
तो ठीक है यार, वो तो चले जाएगा। और वो देखो गाइस, वो रहा गाइस अपना एडमिन, जिस बंदे ने गाइस बहुत जल्दी इसको इंस्टॉल कर दिया, क्योंकि एक ही था यार, एक इंस्टॉल करने में इसको ज़्यादा टाइम लगा नहीं है। वो देखो गाइस चारों तरफ ऐसे रोटेट करता रहेगा, और जब भी कुछ खतरा लगेगा ना तो भाई ये सीधा उस पर अटैक कर देगा बिना कुछ सोचे समझे। देखो क्या बढ़िया लगा रहा है यार एडिफेंस, बिल्कुल मैंने बिल्कुल बीचों बीच इसीलिए लगाया ताकि चारों तरफ ये नजर रखे। बाकी हैकर को भी गाइस मैंने अभी कॉल किया था, तो हैकर फिलहाल अभी अपने घर पे नहीं है, वो जा रखा है बेस पे, और वो वहीं से गाइस मेरे को प्लान सब जाएगा। मैंने उससे बातचीत करी यार, वो मेरे को कह रहा है थोड़ा सा टाइम लेकर, एक मिनट भाई अपनी कार में मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ पता नहीं क्या गंदगी लग गई है। तो भाई पता नहीं क्या लगा पड़ा है। चलो ये तो गाइस अपना आप लोग वॉश करा लेंगे इसको बाद में। बाकी अभी गाइस मेरे को ना उसका भी कॉल आया था, जो अपना दोस्त है वो भी गाइस एयरपोर्ट में जस्ट पहुंचने ही वाला है, मतलब उसका प्लेन तो लैंड हो गया है, वो वहाँ से प्लेन से जो है चेकआउट कर रहा है। तो मेरे को गाइस अभी सीधा यहाँ से एयरपोर्ट निकलना पड़ेगा, एंड उसको गाइस मैं लेकर आता हूँ। फटाफट से इस वाली कार को भगाते हैं और चलते गए सीधा एयरपोर्ट की तरफ। ओके गाइस यार, तो मैं एयरपोर्ट की साइड पहुंच चुका हूँ, एंड उसकी फ्लाइट तो यार मेरे हिसाब से ना लैंड हो चुकी होगी। ओके गाइस देखो लैंड हो ही चुकी है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मेरे को नजर आ रहे हैं। मैं काम करता हूँ अपनी कार को फिलहाल के लिए मैं यहीं पे लगा देता हूँ, और एक मिनट यार वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। देखो काफ़ी सारे लोग हैं, मैं काम करता हूँ ना उसको कॉल करके पता करता हूँ यार वो कहाँ पर है, बस यहीं पर उसे होना चाहिए। और वो देखो गाइस वहाँ नीचे से आ रहा है, तो मुझे लग रहा है अभी अभी निकला होगा ये। और भाई क्या हाल चाल है तेरे, बढ़िया है ना तू? ओके तो गाइस ये कह रहा है ये तो बढ़िया है, पर मैंने इसे अचानक से यहाँ पर क्यों बुलाया, अपना काम वाम छोड़ कर आया? तो हाँ भाई मैं तुझे बता रहा हूँ, देख तो देख तेरे को ना एक काम करना है, मेरा बहुत ज़रूरी काम है और बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देख हाँ बता रहा हूँ कि तेरे को क्या काम करना है। देख तेरे को ना एक कार चोरी करनी है, और फिल्म सिटी से वो कार तुझे चोरी करनी है, और उसमें देख खतरा है। देख तुझे याद होगा हम लोग पहले जब काम किया करते थे चोरी वगैरह, तो देख उसमें भी खतरा होता था, पर इसमें भी देख खतरा है, और तुझे ये काम ना देख पहले करना ही पड़ेगा। तू कर देगा ना ये काम? ये कह रहा है कि ये काम कर तो देगा, पर कौन सी कार चोरी करके लानी भाई, और ये क्यों चोरी करवा रहा है? तो देख वो ना मैं तेरे को अभी नहीं बता सकता, तू फिलहाल तू ये बता काम कर देगा ना? ओके गाइस ये कह रहे काम कर तो देगा, तो चल ठीक है आजा फटाफट से अपनी कार में चलते हैं। और इसको गाइस मैं लेकर चलता हूँ पहले फटाफट से, और इसको मैंने देखो काम पूरा अच्छे से मैंने इसको समझा तो दिया है। और ये गाइस काफी अच्छा बंदा है, देखो ये बंदा ना मेरे साथ ही काम किया करता है। बैठ जा भाई कार में, अपनी कार है यार। बाकी ये कह रहे क्या बढ़िया कार है ये, तो देख ये ना मेरे को प्रेजेंट ने गिफ्ट करी है, तेरे को मैं पूरी स्टोरी आराम से बताऊंगा कि मैं यहाँ पे इतने टाइम से कर के आ रहा हूँ। बाकी इसको फटाफट से लेकर चलते हैं, और इसको मैंने देखो प्लान तो पूरा समझा दिया है। और मैं एक काम करूंगा ना कि इस हैकर को भी मैं रस्ते में चलते चलते कॉल कर लूंगा कि उसने भी अपना पूरा सेटअप कर लिया कि नहीं कर लिया, मतलब उसके जो फिल्म सिटी के कैमरा वगैरह है ना उसको हैक वैक कर लिया होगा वैसे मेरे हिसाब से अब तक तो उसने। तो काम करते इसको यहाँ से लेकर चलते हैं, और हैकर को भी मैं कॉल कर लूँगा। ओके गाइस यार, तो मेरी हैकर से बातचीत हो चुकी है, और उसने गाइस अपना पूरा सेटअप वहाँ पर कर लिया है। बाकी मेरे पे गाइस अभी ट्रेवर का भी कॉल आया था, और ट्रेवर मेरे को कह रहा है भाई जल्द से जल्द इस कार को तो यहाँ से चोरी करवा ले, क्योंकि एक घंटे से ज्यादा हो चुका है। बाकी गाइस मैंने इसको ना देखो वेपन वगैरह तो दे दिए, और मुझे गाइस इस बंदे का ना पूरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि यार ये देखो लॉस सैंटोस में अभी नया नया, और भाई वेपन को अंदर रख ले भाई, अभी यहाँ पर मत निकाल, पब्लिक एरिया हम लोग गाइस यहाँ पर पार्किंग में ऐसे खड़े हैं, भाई अंदर रख ले यार वेपन बार बार मत निकाल। तो सबसे पहले ना गाइस मेरे को देखो एक मास्क लेना पड़ेगा, और मैं इसके साथ ही देखो रहने वाला हूं। और गाइस ये जो मेरी पर्सनल कार है ना इसको तो गाइस मैं अपने साथ लेकर जा नहीं सकता हूं, तो पहले एक काम करते भाई तू फटाफट से अपनी कार में बैठ और चल के ना गाइस मैं अपने लिए पहले एक मास्क ले लेता हूं, यही पास में मास्क की शॉप है, और वेदर भाई क्या अचानक से चेंज हो जाता है। तो चलो कोई नहीं फटाफट से मास्क लेते हैं, और भाई इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है ना कार की बैक करने में, गाइस देखो पीछे टूट गई हल्की, तो फटाफट से ना गाइस मास्क लेते हैं, और वहीं ना मैं पार्किंग में इस कार को लगा दूंगा, और कोई और कार ना चोरी करके अपन लोग उस कार से जाने वाले हैं यार, क्योंकि देखो मैं अपना फेस तो देखो रिवील कर सकता हूं, जो ये बंदा है इसको तो देखो ये तो वैसे लॉस एंजेलिस में नया नया आया है, तो इसको तो गाइस कोई पहचानता नहीं है। तो एक काम करते हैं फटाफट से इस वाली कार को भगाते हैं, और मास्क वाली शॉप पे चलते हैं, क्योंकि जल्द से जल्द मेरे को यार मास्क लेकर पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो ड्राइवर वहां से निकल गया ना तो भाई दिक्कत होने वाली है अपने को। ओके गाइस तो मैं मास्क वाली शॉप पर पहुंचने वाला हूं, पर गाइस शॉप पे जाने से पहले ना मैं एक काम करता हूं ना, इस कार को ना मैं यहां कहीं पार्किंग थी एक पीछे की साइड, तो मैंने काम करूंगा इस कार को पार्किंग में लगा दूंगा। एक मिनट यार पार्किंग शायद इस साइड में है। ओके देखो ये मुझे गाइस पार्किंग लग रही है, मैं काम करता हूं ना इसको मैं यहां पे लगा देता हूं, और ये कार ना शायद यहां पे सेफ ही रहेगी। ओके तो उधर जा भाई फटाफट से, और अपन लोग एक काम करते हैं ना ये कार को चोरी कर लेते हैं। अबे भाई देखो इसने गाइस सीधा, एक मिनट उसने यार देखो देख लिया अपने को, भाई जल्दी जल्दी निकल निकल यहाँ से, पीछे की साइड शॉप है, मैं देखो रास्ता बता रहा हूँ यहीं से जस्ट पीछे की साइड है, फटाफट से वहाँ पे लेकर चल। वो देखो वो लेडी वहाँ पर खड़ी, बस वो कंप्लेन ना कर दे यार, बस चलो कोई नहीं अपने को इतना तक कुछ होने वाले नहीं। एक काम कर इस कार को ना यहीं पे लगा ले, यहीं पे लगा ले अभी फिलहाल के लिए, और शॉप गाइस उस साइड में है, तो तू एक काम कर इस कार को ना यहीं पे लगा कर खड़े हो, मैं एक मास्क लेकर आ रहा हूँ। भाई देख रहे हो क्या खतरनाक बंदा है यार ये भी, इसने एकदम ठीक सामने से जाके सटाक से चोरी कर ली यार। बाकी गाइस ये रही मास्क की शॉप, आगे से चल के ना एक मैं मास्क लेता हूँ अपने लिए, और फिर चलते गाइस अपन लोग सीधा, क्योंकि ट्रैवल का मेरे पे अभी दोबारा कॉल आ रहा था यार रास्ते में, तो मैं यहाँ से कोई ना कोई मास्क ऐसी उठा कर ना कोई भी रैंडमली ऐसी पहन लेता हूँ यार। ओके गाइस यार तो मैंने ऐसे मास्क ले लिया, और उसको मैंने पेमेंट वगैरह भी कर दी, और भाई इसको मैंने वहाँ रुकने के लिए बोला था, देखो यहाँ तक कार लेकर आ गया, तो चल चल अब तू ही ड्राइव कर ले भाई, ये कह रहा मैं ड्राइव करता हूँ, इसको मैं रास्ता समझा दूंगा।
पे भाई किसी को उड़ाना नहीं है भाई, आराम से चला ले। वैसे ही अपन लोग कम मुसीबत में पड़े हो, वैसे तू यहाँ पे और एक्सीडेंट कर दे। तो देख अपने को ना फिल्म सिटी की साइड जाना, मैं तेरे को रास्ता बता रहा हूँ, तू सीधा वहीं पर चल और जितनी स्पीड में तू चला सके ना उतनी स्पीड में चला, बस बिना किसी एक्सीडेंट करे हुए। ओके गाइस, हम लोग फिल्म सिटी पहुँच चुके हैं। तो सुन भाई एक काम कर, मुझे ना तू पहले साइड में उतार दे। तो मैंने कहा इसको फोटो वगैरह तो गाड़ी की दिखा दी थी, बाकी देख जब भी तुझे सही लगे तू जा करना, देख हमला कर दे अंदर, मैं इधर साइड में खड़ा हूँ। ओके भाई, भाई देख रहे हो बोलते गए सीधा चल गया। बाकी इसके साथ ना मैंने देखो बैंक रॉबरी तो काफ़ी ज़्यादा करी है, और वो देखो सीधा अंदर ही लेकर चली गया। पता नहीं ये काम ही अच्छे से कर पाएगा नहीं कर पाएगा। और एक मिनट भाई, इसने मतलब जाते गए हमला कर दिया उन पर। वो देखो गए वो लड़ रहा है वहाँ से साइड में, काम करता हूँ यहाँ दूर से देखता हूँ, और मुझे इसको ना बैकअप देना पड़ेगा पीछे से। और वो देखो इसकी सिक्योरिटी वाले गए अभी फिलहाल उसी को मार रहे हैं। और ड्राइवर कहाँ पर है? तो ट्रेवर का पूछ रहे पीछे की साइड है, हम लोग ने देखो ऑलरेडी बातचीत कर ली, ट्रेवर ने सिर्फ नाटक करेगा। और एक मिनट तो ये सिक्योरिटी निकल यहाँ से, भाई देख रहे हो यहाँ का सिक्योरिटी वाला भी आ रहा है। एक मिनट मैंने कहा इसकी मदद, एक मिनट कहाँ गया वो? वो जो है पीछे लड़ रहा है, मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। एक काम करता हूँ, मैं इसको मारता हूँ, निकल यहाँ से, पीछे से भी मारता हूँ। वो देखो कार का कवर, अबे भाई इसने मेरे ऊपर भी गोली चला रही है, निकल यहाँ से। और एक मिनट का मुझे ड्राइवर को देखना पड़ेगा, ड्राइवर कहाँ पर है? एक मिनट यार, पहले इसकी गाइस अपने को जान बचाते हैं। और मैंने कहा ये काम को तो इस एक मिनट निकल यहाँ से। और वो देखो गाइस ये रहा ड्राइवर, देख रहे हो नाटक क्या कर रहा है, ये बेहोश होने के गाइस यहाँ पे नाटक कर रहा है। तो चलो गाइस ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओके गाइस यहाँ पे बंदे भी काफ़ी ज़्यादा है, और वो देखो उसका बॉडी गार्ड है भाई। सुन 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 भाई देख, वो जो बंदा है ना देख, उससे ज़्यादा पंगे मत लेना जो RPG चला रहा है यार। उसका बॉडी गार्ड देख रहे हो, पता नहीं कौन सी RPG चला। और निकलो यहाँ से भाई, कितने सारे बंदे गए देख रहे हो, फिल्म सिटी के पूरे फिल्म सिटी में गए इसी के बंदे भरे पड़े सिक्योरिटी वाले। चल यहाँ से भाई, थोड़ा आराम से मुझे कवर लेके मार रहा है, निकल यहाँ से भाई। बहुत सारे बंदे गए यहाँ पे भाई, बहुत बंदे गए यहाँ पे। देख हम लोग ना देख इनसे फाइट ज़्यादा नहीं लेते, तू एक काम कर, कार खड़ी वहाँ पे, कार को लेकर तू यहाँ से निकल, मैं इन बंदों को संभालता हूँ। तो बस कार को यहाँ से लेकर निकल जा भाई यहाँ से। एक मिनट यार, मुझे सायरन की भी आवाज़ आ रही है भाई, पुलिस ना आ जाए यार यहाँ पे, पुलिस से वैसे गए अपने इतना पंगा। निकलो यहाँ से, बैठ रहा हूँ। बहुत सही भाई, ये गए अपनी बुलेट प्रूफ कार है, इसमें बैठने के बाद तो अपने को कुछ नहीं होने वाला। और वो देखो गए उसका जो बॉडी गार्ड है ना, तो नहीं कौन सा लॉन्चर चला रहा है, कोई अलग सा लग रहा है ये भाई। इनसे लड़ना नहीं, अपने को सीधा बाहर निकलना है, तो सीधा बाहर लेके चल यार इस कार को। अबे भाई लड़ मत इनसे, बाहर लेके चल सीधा। अरे भाई ये नहीं मानने वाला, ये देखो अबे भाई इसको उसने टक्कर मार दी। वो देखो भाई क्या खतरनाक बंदे, इतनी खतरनाक टक्कर लगी तब भी वो गाइस उठ गया वापस। भाई देख तू उससे पंगा मत ले उस बॉडीगार्ड से यार, तुझे पता नहीं वो बंदा कितना ज़्यादा खतरनाक है। तूने भाई उसको गाड़ी से उड़ाया ना, अगर उसने तेरे को पकड़ लिया ना और उसने तेरे को पहचान लिया तो भाई तू तो गया समझ ले। और गाइस हम लोग इस कार को लेकर आ तो चुके हैं, पर गाइस मेरे को ना थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि यार देखो इस काम में ना देखो प्रेजिडेंट तो शामिल है ही, प्लस उसका बॉडीगार्ड और वो जो बंदा है जो फिल्म प्रोड्यूसर है वो गाइस बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा है यार। बाकी ट्रेवर ने गाइस काफ़ी अच्छा नाटक किया वहाँ पे बेहोश होने का। ओके गाइस हम लोग भागते भागते गाइस जा ही रहे थे, और पुलिस वाले गाइस हमारे पीछे लग चुके हैं यार। वो बंदे देखो कितने ज़्यादा तेज हैं, और उसके बंदे भी गाइस अभी हमारा पीछा कर रहे थे, बाकी उन्हें तो हम लोग ने संभाल लिया। और वो देखो गाइस पीछे से पुलिस का चॉपर आ रहा है, तो भाई तुझे पता है ना तुझे करना क्या है, जैसे करके पुलिस से पीछा छुड़ा। बाकी मैं एक काम करता हूँ, हैकर को मैं कॉल करता हूँ और उससे बोलता हूँ भाई जल्द से जल्द पुलिस का पीछा छुड़ा ले। बाकी तुझे कहीं पे रुकना नहीं, सीधा कार को ना भगाते रहे बस, तू टेंशन मत ले। ये कार ना देख बुलेट प्रूफ है, और इसमें ना पुलिस की कितनी भी वो गोलियां चला लें RPG चला लें इसमें कुछ नहीं होने वाला, तो तेरे को डरने की बात नहीं है। और ये देखो पुलिस स्टेशन के सामने से लेकर जा रहा है यार, क्योंकि ज़्यादा रास्ते पता नहीं है। वो देखो सामने से पुलिस वाले ने भी घेर रखा है, और वो देखो उड़ाते हुए जा रहा है भाई, फुल फ़ायदा उठा रहा है भाई इस वाली कार का। ये मैं काम करता हूँ फटाफट से ना रास्ते में हैकर को भी कॉल करता हूँ ये जब तक ड्राइव कर रहा है, और हैकर से बोलता हूँ भाई जल्द से जल्द मेरे पीछे से पुलिस हटवा यार। और वो देखो सामने पुलिस वाले भाई अपने को घेरा बनाकर खड़े हुए हैं। ओके गाइस यार, तो हैकर ने तो गाइस अपने पीछे से पुलिस हटवा दी थी। बाकी गाइस ट्रेवर से मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है, तो ट्रेवर तो गाइस एकदम सेफ है। और ट्रेवर मेरे को बता रहा था ना कि उस लोकेशन पे ना मतलब फिल्म सिटी में जहाँ हम लोग ने अभी तबाही मचा कर आए हैं, वहाँ पे गाइस प्रेसिडेंट भी आने वाले। उस बंदे ने यार प्रेसिडेंट को कॉल करके वहाँ पर बुलाया, तो गाइस हम लोग एकदम सही टाइम पर गाइस वहाँ से निकल गए हैं। बाकी अपने को ना देखो इस कार को ना छुपा कर रखना पड़ेगा। तो ट्रेवर ने मेरे को एक बंदे की लोकेशन बताई है जहाँ पे शायद पता नहीं कुछ गराज जैसा है उसका, तो वहाँ पे गाइस एकदम ये गाड़ी ना सेफ रहेगी और वहाँ से किसी को पता भी नहीं चलेगी। तो अपन लोग को इस कार को कुछ टाइम तक वहीं पर रखना पड़ेगा। और इसको देखो भाई ये बंदे को ना कुछ ये वाली कार कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई, ये कह रहा है मैं ही ड्राइव करने वाला हूँ, चल भाई तू ही ड्राइव कर ले। बाकी इसको गाइस मैं लोकेशन रास्ते में भी बता दूंगा कहाँ पर जाना है अपने को। वैसे ना देखो इधर डॉक्स है ना, डॉक्स से आसपास ही है वो लोकेशन, तो चलते गाइस फटाफट से और इस कार को ना वहाँ पर जाकर छुपा देते हैं। ओके गाइस इधर तो हम लोग उस वाली लोकेशन पर पहुँचने वाले हैं, यहीं आसपास की जो है लोकेशन है वो।
ओके, तो यहाँ पे ना एक गराज जैसा है, तो ट्रेवर से मैंने भी कंफर्म करा था, तो वो कह रहा है एक गराज जैसा जो कि यार काफी टाइम से बंद भी था। ओके, तो ये है क्या वो? हाँ यही है वो गराज, यही है उसका साइन देखो ऐसी। और यहाँ का मौसम क्या है भी एकदम से चेंज हो जाता है, तो एक काम करना इसके अंदर ही इसको लगा दे। बहुत से भाई देख रहे हो पूरा खाली है, तुम यहाँ पे एक इसको लगाते हैं भाई आराम से यार। ओके, तो इसको तो कैसे हम लोग ने यहाँ पर लगा दिया है। और मैं क्या सोच रहा हूँ ना गाइस, ये देखो गराज ना पूरा खाली है, तो इसके आगे क्यों ना हम लोग एक ट्रक जैसा कुछ लगा दें। अरे बारिश भाई बारिश का पता नहीं क्या सीन है। तो यहाँ पे गाइस एक वैन खड़ी है और यहाँ पे कुछ बंदे भी खड़े हैं, यहाँ से तो मैं नहीं चोरी कर रहा हूँ। ओके, तो ये अच्छा यहाँ पे एक ट्रक भी तो खड़ा है गाइस। एक काम करते हैं ना गाइस, इस ट्रक को ना मैं उस कार के पीछे लगा देता हूँ, ताकि यार एकदम से ना कोई अगर उस गराज को खोले भी तो भाई अपनी कार वहाँ से नजर ना आए। वैसे देखो अभी तो फिलहाल हम लोग उसको लॉक करके जाने वाले हैं, और इस ट्रक को फटाफट से पीछे करते हैं और अंदर ले जाकर ना मैं इसको लगा देता हूँ टेढ़ा करके थोड़ा सा, ताकि अपनी कार ना किसी को दिखाई ना दे। और से भाई देखो कितना बड़ा ट्रक है यार ये भी। एक मिनट इसको ना मैं यहीं पे लगा देता हूँ, पूरा ना रास्ता ही ब्लॉक कर देते, कोई यहाँ पे घुस ही ना पाए। बहुत सही, अब मेरे को यहाँ से बाहर जाने के लिए, ओके बाहर जाने के लिए तो मेरे को यहाँ पे रास्ता मिल गया। बहुत सही भाई देख रहे हो क्या सही लोकेशन है यार। और मैं एक काम करता हूँ इसको ना लॉक भी अपन लोग फटाफट से कर देते हैं। और क्या हो गया भाई तेरे को? ओके, तो ये कह रहा है भाई कोई और काम तो नहीं है ना? भाई कोई और काम नहीं है यार। हाँ शटर, ओके शटर तो नीचे आ चुका, मैं इसको लॉक कर दे रहा हूँ अभी। बाकी तू एक काम करना, यहाँ से कोई कार वगैरह चोरी कर ले। देख वहाँ जो कार खड़ी है ना उसको छोड़ के कोई और कार चोरी करनी उसको मत कर, उसको मत कर भाई। यहाँ पे बंदे खड़े हैं, वो लोग खाली में कंप्लेन कर देंगे। वैसे अभी गाइस पुलिस अपने पीछे लगी हुई थी, और इसको फटाफट से लॉक कर देता हूँ। ओके गाइस इधर इसको तो मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। बाकी ओके देखो ये कार भी चोरी करके लेकर आ चुका है। तो भाई देख एक काम कर फटाफट से ना तू कपड़ों की दुकान पर लगा, क्योंकि अपने को कपड़े वगैरह भी चेंज कर देंगे। थोड़ा मैं हुलिया अपना चेंज कर लेता हूँ, और मैंने मास्क भी उतार के ना वहीं पर नीचे फेंक दिया था। बाकी इसके बाद मैं कपड़ों की लोकेशन बता देता हूँ, यहीं से थोड़ा सा आगे जा, आगे की साइड एक शॉप मिलेगी तेरे को, वहाँ पर रोक लियो। बाकी अपने को ना कपड़े वगैरह भी चेंज करने पड़ेंगे, तू भाई कपड़े चेंज कर लियो और मैं भी कर लूँगा यार अपना हुलिया चेंज कर लेते हैं। ओके गाइस हम लोग कपड़ों की शॉप पर पहुंचने वाले हैं, और यहाँ से मत ले जा भाई, देख रहे हो पुलिस स्टेशन के बिल्कुल साइड से ले जा रहा है यार। हद है, कपड़ों की शॉप गाइस ये सामने रही। बाकी गाइस ये जो बंदा है ना, इसके साथ गाइस मैंने इतनी ज़्यादा रॉबरी करी है ना वाइस सिटी में। एक ये था, एक मैं हूँ, और एक और बंदा था गाइस, हम तीनों मिलकर ना बहुत रॉबरी किया करते थे वाइस सिटी में। ओके भाई ये कपड़ों की शॉप, आ जा अंदर फटाफट से कपड़े वगैरह चेंज कर ले। बाकी इसको गाइस मैं कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद ना मैं इसको गाइस घर पर लेकर जाने वाला हूँ, गाइस ये भी थक गया होगा वहाँ से फ्लाइट में आया है। उस पर गाइस इतने इतना बढ़िया काम किया ना, मतलब काम तो गाइस ने एक नंबर किया। जैसे हम लोग पहले काम किया करते थे ना, वो काम गाइस मेरे को सारे के सारे याद आ चुके हैं, क्योंकि हम लोग को वो काम करने में बड़ा मजा आता था उस समय। तो ये भी कपड़े चेंज करें, मैं भी काम करता हूँ यहाँ से ना, कोई ना कोई कपड़े वगैरह चेंज कर लेता हूँ और अपना हुलिया थोड़ा सा बदल लेते हैं। ओके गाइस इधर तो मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह तो चेंज कर लिए हैं, और यहाँ पे जो भी कपड़े थे मैंने गाइस फटाफट से पहन लिए। बाकी इसको गाइस हम लोग चल के फटाफट से पेमेंट करते हैं। और भाई वो कहाँ चले गया? अबे यार वो देखो इस बाहर की साइड खड़ा है यार चल के, देख रहे हो क्या बढ़िया कपड़े पहन लिए यार यहाँ से सीधा। मैं काम को तो उसको फटाफट से पेमेंट कर देते हैं पहले, उसके बाद बाहर चलते हैं। ओके गाइस इसको मैंने पेमेंट वगैरह तो कर दिए, और अब गाइस हम लोग बाहर की साइड चलते हैं। और चले भाई फिर देख रहे हो क्या हीरो बन गया यार ये, देख रहे हो भाई वहाँ से क्या कपड़े पहन कर आया था, और यहाँ आके देखो मेरे पैसों पे शॉपिंग कैसे तगड़ी कर ली। पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसने गाइस अपना जो काम था ना वो तो गाइस बहुत अच्छी तरीके से कर लिया। बाकी हाँ मैं बता रहा हूँ तू ना एक काम कर सीधा सीधा चल यहाँ से, और इसके बाद मैं लोकेशन रस्ते में अभी बता दूंगा। बाकी इसको ना हम लोग सीधा अपने घर पे लेकर चलते हैं, और हैकर से भी गाइस मैं बात कर लूंगा। हैकर वैसे शायद जो अपना बेस है ना हैकर वाला, वहीं पर वो फिलहाल अभी जा रखा होगा, और इसको तो गाइस अभी फिलहाल मैं कुछ दिन तक अपने घर पे रुकवाने वाला हूं। बाकी फिर गाइस इसका जब भी मन करेगा ये वाइस सिटी वापस चले जाएगा। यहां से ना तेरे को एक काम कर सीधा ही ले चल पहले तो, बाकी चलते गाइस फटाफट से घर पे, और हैकर को भी मैं काम करूंगा घर पे बुला लूंगा बाद में। ओके गाइस इधर हम लोग अपने घर की साइड पहुंचने वाले हैं, और ये मेरे से गाइस रास्ते में काफ़ी सारे सवाल पूछ रहे थे, मैंने इसको आधी थोड़ी बहुत चीज़ें तो बता दी हैं। बाकी ये है भाई, ये है अपना घर, इसके अंदर ले चले जो साइड में जो दिख रहा है बड़ा सा मैंशन जैसा है। और ये कह रहा है भाई बहुत बढ़िया मैंशन है, इतना पैसा कहाँ से आया? तो देख वो सब मैं तुझे बाद में बताने वाला हूँ तसल्ली से आराम से बैठ कर। या ना गाइस मेरे से कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछ रहा है, क्योंकि गाइस ये जो बंदा ना ये वाइस सिटी में देखो अभी फिलहाल रहता है, और चोरी वगैरह ना इसने भी फिलहाल अभी छोड़ दी है। ये नॉर्मल वहाँ पे काम वगैरह करता था छोटे मोटे काम। बाकी ये है देख अपना मैंशन, वो देखो अपना मैंशन आराम से घूम रहा है, तो आराम से। हाँ भाई ये वाला अपना मैंशन है, और ये मेरा ही मैंशन है, तो तुझे यहाँ पे देख घूमना है तो घूम, जो कर दे तुझे यहाँ पे तू आराम से कर सकता है। बस यहाँ से ना तू देख अभी फिलहाल बाहर मत जाना। बाकी देख वहाँ पे जितने भी कैमरा वगैरह लगे हुए थे या कोई भी सिक्योरिटी थी ना, वहाँ पे देख हमने सिक्योरिटी वाले को तो सबको मार दिया था, और जो कैमरे थे वो अपने हैकर दोस्त ने भाई हैक वगैरह करके ना वहाँ से क्लिप सारी डिलीट कर दिए। बाकी ये रहा अपना मैंशन, तुझे देख ऊपर आराम वगैरह करना है, तुझे जाके आराम कर ले, और अपना मैंशन भी तू देख ले यार, बहुत बड़ा मैंशन है। ये मुझसे काफ़ी सारे सवाल पूछ रहा है यार, पर मैं इसको आराम से तसल्ली से बताने वाला हूँ। बाकी हैकर को भी गाइस मैं अभी कॉल वगैरह करके पता करता हूँ, और थोड़ा इंतजार करते हैं यार बाकी वो आराम वगैरह कर ले। ओके गाइस इधर तो मेरी हैकर से बातचीत हो चुकी है, और वो शायद यहाँ पर पहुँचने ही वाला होगा, वैसे अभी आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है।
और वो आने ही वाला होगा, बाकी काम तो उसका इंतजार करते हैं। और वो देखो इस हैकर आ भी चुका है यहाँ पे, और मैं इससे फोन पे बात कर रहा था तो थोड़ा सा गुस्सा मेरे को लग रहा था। हाँ भाई वो बंदा आ चुका है, और ये कार, ये देख चोरी की कार है, हम लोग सिर्फ ऐसी लाए, इसको मैं ठिकाने लगा दूँगा, उसकी टेंशन मत ले। बाकी पे यार मुझे पता है, देख बाकी का इस हैकर मेरे से कह रहा है ना कि ये जो भी काम हम लोग ने अभी किया है ना, ये अगर प्रेसिडेंट को पता चल गया ना तो भाई अपनी बैंड बजने वाली बहुत तगड़ी तरीके से। बाकी मुझे पता है यार, देख उसकी ना देख टेंशन अभी तू मत ले फिलहाल, उसकी टेंशन तू मेरे ऊपर और ट्रेवर के ऊपर छोड़ दे, उसका हम लोग को जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी तू एक काम कर, अंदर जो दोस्त है उससे तू तब तक चल कर बातचीत कर ले। और गाइस ये जो बात कह रहा है ना अभी, ये गाइस एकदम सही बात कह रहा है, मैंने एक काम करूंगा यार, मैंने देखो ट्रेवर से ना बातचीत करूंगा इससे रिलेटेड कि हमें यार आखिर करना क्या चाहिए, क्योंकि देखो जो मुसीबत है ना ये वाली बहुत तगड़ी मुसीबत में गाइस हम लोग फंसे हुए हैं, और अगर प्रेजेंट को पता चल गया ना तो भाई हम लोग की बैंड बजने वाली है। बाकी देखते हैं ट्रेवर से बात करके कि जो भी इसका सॉल्यूशन कुछ निकलता है। तो बाकी इस वाले एपिसोड को गाइस आप लोग यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोग को ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आप लोग को ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम लोग 50K के बहुत ज्यादा नजदीक हैं। बाकी मिलता हूँ गाइस मैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।